तो आज जेई मेंस का सेशन टू शिफ्ट टू का पेपर है और ऐसे में काफी सारे बच्चों से हम लोग बात करने आए हैं, एग्जाम सेंटर के सामने खड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो बच्चे निकले उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितना मुश्किल आज का पेपर आपके हिसाब से होने वाला है, बिकॉज आपने ऑब्वियसली सालों से देखा ही है। जेई मेन का पेपर देखिए मुश्किल नहीं होता है। जेई मेन का पेपर अपन लेंदी जरूर कह सकते हैं, मैथ्स स्पेशली मैथ्स का पेपर लेंदी होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट होता है। तो मतलब पेपर अपन ये नहीं कह सकते कि बहुत टफ आता है। हाँ, जिसने ऑनेस्टी के साथ पूरे साल प्रिपरेशन की है ना सर, तो उसको 1% दिक्कत आने वाली नहीं है ना। थोड़ा सा टाइम लगता है मैथ्स में, लेकिन ठीक है, मतलब वो कर लेता है। मतलब बहुत अपन ये नहीं कह सकते कि बहुत इजी पेपर आता है, अपन ये भी नहीं कह सकते कि बहुत टफ पेपर आता है। इजी टू मॉडरेट पेपर होता है और अगर बच्चा पढ़ा है पूरे साल तो बहुत बढ़िया पेपर कर सकता है। थोड़ी देर में बच्चे निकलने वाले बाहर, तो उनसे बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे कि आज का पेपर कैसा था, कितना मुश्किल था, पहले क्वेश्चंस देखें या नहीं देखें। आप तो हमारे साथ बने रहिए। आ चुका है, आजा बेटा इधर आजा। तो एक्चुअल में एग्जैक्टली पोजीशन तो बच्चे ही बता पाएगा। करेक्ट बात है सर। और बेटा कैसे हैं आप, कैसा हुआ पेपर? अच्छा गया सर, ठीक था। मतलब पकड़ूं क्या? नहीं, मैं पकड़ूं। अच्छा, फिजिक्स तो काफी इजी थी, फिजिक्स एज यूजुअल जैसे पहले। ओके, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत एक्सेप्शन से उठा के पूछ लिया हो। एस ब्लॉक वगैरह हमेशा हाइड्रोजन के क्वेश्चन सब थे। मैथ्स पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। एज यूजुअल मैथ्स टफ थी, टफ नहीं था, मतलब लेंदी था, लेंदी था, टफ नहीं था, मतलब इजी। ऐसा लग रहा था ये देखे हुए क्वेश्चंस कहीं पे। शिफ्ट 1 के हिसाब से सेम आया है, जैसे शिफ्ट 1 में था सेम आया, सेम है। अच्छा स्कोर कर लोगे मतलब? अब ये तो हनुमान जी बताएंगे। हनुमान जयंती के उसमें लक्ष्मण करेंगे। नहीं तो फिजिकल केमिस्ट्री आसान थी, फिजिकल के क्वेश्चन ही बहुत कम थे। हां, ना के बराबर क्वेश्चन, इंटीजर टाइप रहे होंगे। इंटीजर टाइप में भी नहीं थे इस बार तो। अच्छा, वेटेज मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन होंगे। एक मोनोक्लिनिक वाला आ गया था और सॉल्यूशन से तो वो टेबल आ गई, कोई फार्मूला नहीं आया। सॉल्यूशन क्या था? सरफेस से, सरफेस सोल्स वगैरह। आप बताइए कैसा रहा? इस बार पेपर काफी अच्छा आया था, मतलब कि जैसे जेई मेन का लेवल होता है हर साल का, उस हिसाब से जैसे पिछले साल 12 के ज्यादा का वेटेज था, लेकिन इस बार सर मतलब कि अच्छा था पेपर, मतलब कि वेल बैलेंस था। कोऑर्डिनेट के काफी क्वेश्चन थे, वेक्टर के थे, कोऑर्डिनेट वेक्टर के क्वेश्चन वैसे ही आए होंगे जैसे आते थे। तो एज यूजुअल मैथ्स का पेपर टफ नहीं? हां, मतलब मैथ्स का पेपर टफ आता वैसे ही था। हां, मॉडरेट था, थोड़ा लेंथी था, मतलब फर्स्ट शिफ्ट था जैसे ही था, मतलब जैसे फर्स्ट शिफ्ट में आया था वैसे ही था। हां हां, मतलब जेई मेन फर्स्ट टर्म जो हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट उससे थोड़ा अच्छा था, उससे टफ था, इजी था? टफ था इस बार, टफ था मैथ्स का। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिजिक्स भी इजी टू मॉडरेट लेवल थी और केमिस्ट्री भी इजी टू मॉडरेट थी, मैथ मॉडरेट और थोड़ी लेंथी थी। ओके, तो ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चंस देखे हुए हैं कि मतलब ऐसा था कि तुमने पिछले बार शिफ्ट से मैच करते हुए पेपर जो होते हैं जैसे अभी जेई मेन के जो पेपर हो रहे हैं उसी के जैसे क्वेश्चन लगे कुछ नया? हां हां, मतलब कि कुछ क्वेश्चन तो क्लास नोट्स के भी थे, इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन जो ए स्क्वायर से भी करा था, क्लास नोट्स का क्वेश्चन था। और हाँ, एक दो क्वेश्चन थे क्लास नोट से बिल्कुल सिमिलर, बस वैल्यू चेंज करके थे। देखे हुए क्वेश्चन? हाँ देखे थे, जैसे कि हम लोग हमेशा बच्चों से बोलते भी हैं कि देखे हुए क्वेश्चन जरूर आते, बेटा वही हुआ है। क्लास नोट से क्वेश्चन बच्चा बता रहा, क्लास नोट से क्वेश्चन डायरेक्टली मैथ्स में आए हुए हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर भी काफी सिमिलर उसी टाइप का आया जैसा पिछली बार आया था, शिफ्ट 1 में आया था, ऑलमोस्ट सेम टाइप का पैटर्न का पेपर आया हुआ। मतलब बेसिकली जैसा अपन क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही पेपर आता है। बच्चा ईमानदारी से अगर पूरे साल पढ़ता है तो उसको 1% दिक्कत नहीं आती और बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, क्यों सर? बिल्कुल, मतलब मैं जो बच्चों को फाइनली बोलूंगा वो ये कंक्लूजन निकाल के दूंगा कि बेटो बच्चों ध्यान रखिएगा इस चीज को, आपकी पेपर जैसा आ रहा है, जो भी बच्चे कल पेपर देना जा रहे हैं और जो भी जितनी भी शिफ्ट बाकी है शिफ्ट इस स्लॉट की, उन शिफ्ट में जो भी बच्चे पेपर दे रहे हो ध्यान रखिए, नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाए, पिछले क्वेश्चन को देख करके जाए, बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, इसलिए उसको ध्यान रखें कि पेपर में पैटर्न वही है, कोई बहुत चेंजेस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। फिजिक्स मॉडरेट लेवल पे आई है, केमिस्ट्री ठीक आई है और मैथ्स का जैसे लेंदी पेपर आता है वैसे लेंदी है, टफ नहीं है, लेंदी पेपर होता है। मैं तो ये कहूँगा कल का पेपर आने वाला है, वैसे ऑल द बेस्ट, आप रिवाइज करिए, फॉर्मूला रिवाइज करिए और कल भी पेपर है तो कल पेपर के लिए रिवाइज करिए। बच्चे भी इंगेज रहेंगे तो 15 तारीख तक बच्चों को लगे रहना है लगातार, और जो भी बच्चों का लगता है कि अगर जो 12th के बच्चे हैं जिनका लग रहा है बोर्ड हो चुका है और पेपर में दोनों अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनको लग रहा है कि आइडिया लग चुका है उनको, तो वो वेट ना करें और अपना तुरंत क्लासेस स्टार्ट कर दें। अगर 30 में वो रिपीट करना चाहते हैं तुरंत रिपीट करें। अगर मान लीजिए लगता है कि पेपर मेरा सेकंड शिफ्ट का भी पेपर हो गया और लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाया और आपको लगता है कि मेरे को प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो फिर डिले क्यों? करेक्ट, मतलब नहीं है, मतलब नहीं है डिले होने का, क्योंकि आप जैसे जैसे डिले करोगे वैसे वैसे आपका जो सिलेबस होगा लास्ट तक जाएगा,
बैकलॉग बढ़ता जाएगा और रिविजन के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता। तो अगर आपको लगता है कि हाँ पेपर हो गया, सेकंड अटेम्प्ट भी हो गया, इसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाया, मैंने बोर्ड के ज़्यादा फोकस की थी, बोर्ड के चक्कर में मेरा सेकंड अटेम्प्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए अपन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर बात करने के लिए। थैंक यू।